गणतंत्र दिवस को लेकर जनपद बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जुमे की नमाज को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे में शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस एवं सुरक्षा बलों के द्वारा रूट मार्च किया गया है। इस जनपद की सीमा नेपाल से लगी होने की वजह से इस जनपद को अति संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस एवं सुरक्षा बलों के द्वारा देर रात तक रूट मार्च किया जाएगा। जी देखिए, गणतंत्र दिवस हमेशा ही हमारे लिए एक संवेदनशील दिन रहता है और हाल ही में जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत भी इसकी संवेदनशीलता और अधिक बढ़ी हुई है और हम इसी चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जनपद बहराइच में सब कुछ सकुशल संपन्न हो। सर्दी का भी अत्यधिक प्रकोप है, इसीलिए जो स्कूलों से प्रभात फेरियाँ आदि निकाली जाएंगी, विभिन्न शोभा यात्रा तिरंगा यात्रा निकलेंगी, उसमें भी हमारा प्रयास है कि सभी मुख्य चौराहों पर पर्याप्त ड्यूटी रहे, ट्रैफिक की बहुत अच्छी व्यवस्था रहे ताकि बिल्कुल निर्विघ्न ये सभी यात्राएं सकुशल संपन्न हो सकें। कल जुमे की नमाज भी रहेगी, इसलिए क्योंकि बहुत सा हमारे यहाँ मिश्रित आबादी क्षेत्र है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का आमना सामना या तो कोई भी असहज स्थिति किसी भी तरफ से किसी भी पक्ष की ओर से ना उत्पन्न हो और इसीलिए हमारी बहुत विस्तृत ड्यूटी लगी है इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और उसी का जायजा लेने के लिए आज भ्रमणशील है।